दोस्तों, आज हम जा रहे हैं उधर मंदिर में पूजा करने के लिए। और इतना मस्त रास्ता है पहाड़ी, ये पूरी फैमिली जा रही है आगे। और यहाँ पे ये पवनी है मेरे मामा का लड़का। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं, एक्साइटेड हैं हम सब देखने के लिए। पीछे ग्रीनरी देखो यार, कितनी ग्रीनरी है ना। तो ये सब जाते हैं अभी, अब देंगे। ऐसा रास्ता होता है गांव में जाते वक्त, ये देखो कैसा रास्ता है। हम पानी जा रहे हैं, लोटे में पानी है। आगे भैया भाभी चल रहे हैं, पीछे मम्मी, फिर बहन, ये पहुँची, मैं। और ये देखो व्यू, क्या व्यू आ रहा है, बिल्कुल वाह, बिल्कुल। अरे मतलब ये जुलाई और अगस्त के महीने में उत्तराखंड आना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप जुलाई और अगस्त के महीने में उत्तराखंड विज़िट करते हो तो आपको चारों तरफ ऐसा हरा भरा मिलेगा। ये हरा भरा सिर्फ 2.5 महीने रहता है, और बाकी टाइम ये जो है फिर सूख जाता है, फिर इसको काट देते हैं, इसकी कटाई हो जाती है घास की। और वो देखो ये जो पुल है ना, ये अभी अभी बना है, इसको कुछ ही टाइम हुआ है, मतलब 6-7 महीने ही अभी। और वो हमारे गोलू जी का मंदिर है उधर, वो बाकी खेत हो गए सारे। ये देखो किस कोई अपना घर छोड़ गया है, क्या बोलते हैं, पुराना हो गया और पलायन हो जाता है, तो उसके बाद वो चले जाते हैं दूसरे देश, बस फिर काम के लिए निकलना पड़ता है। फिर जो ऐसा रखा हुआ घर होता है वो ऐसा हो जाता है देखो। हालांकि अभी इन्होंने टीन करवाया है, ये भी टूट गया था यहाँ से। और ये वाला जो देख रहे हो, ये हमारे गांव का पंचायत घर है ये वाला। तो ये और यही रास्ता जो है स्कूल जाता है वो देखो। और ये जा रहे हैं भैया भाभी आगे उधर, भाभी ने थाली पकड़ रखी है, और ये बहन जा रही है पीछे, बहन ने पकड़ रखा है लोटा पानी से भरा हुआ, मम्मी ने तेल पकड़ रखा है, मम्मी जा रही है। और पवन ने जेब में हाथ डाल रखे हैं, इसने कुछ नहीं पकड़ा है, और मैंने फोन पकड़ा हुआ है। सब काम करते हैं पर पवन देखो चल रहा है भाई ने अपने हाथ पकड़ रखे हैं और बस हम लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं रास्ते में। और ये देखो है, हाँ यहाँ से भी रास्ता है ये जो है। और ये जो होते हैं हमारे चीड़ के पेड़ होते हैं, तो इनमें जो है एक फल लगता है, ठिठ बोलते हैं उसे, ठिठ ना बोलते हैं, बोलते हैं भैया उसे, क्या बोलते हैं, ठिठ बोलते हैं ना उसे, तो उसे ठिठ बोलते हैं। और उसके अंदर ना क्या बोलते हैं, एक बीज होते हैं छोटे छोटे, तो बीज होते हैं वो, उन्हें क्या बोलते हैं, वो काफी टेस्टी होते हैं। और अगर वैसे आप खरीदते हो ना, जैसे अल्मोड़ा से या फिर कहीं और जगह से खरीदते हो, तो यार वो बहुत महंगे बिकते हैं, हैं। और मतलब करीबन करीबन उसका कुछ 1800 या 2500 रुपए कुछ किलो है वो, अगर आप करते हो तो, कहीं और से मार्केट से लेते हो तो। पर हमारे उधर तो ऐसे ही मिल जाते हैं, क्योंकि हमारी देवभूमि है और बहुत जगह जगह वो वाले पेड़ हैं, तो काफी मिल जाते हैं। बाकी ये रास्ता ये वाला आ गया है, वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ से थोड़ा हमें चढ़ाई चढ़नी है ऊपर को, और वो रहा मंदिर उधर, माता जी का मंदिर है जिधर हम पूजा करने जा रहे हैं आज। और इस टाइम में ये होता है ज़्यादा कि मतलब हरा भरा अच्छा लगता है। और ये पता नहीं किसका डॉग है, नीचे से हमें हिमालय भौंक रहा था, अभी जानता नहीं है अभी, तब जाके। और ये चीज़ देखो, घास देखो कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है, कितनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है। और ये सितंबर के मिड में, हाफ सितंबर से काटना से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर जितनी घास देख रहे हो ना, जितना हरा भरा, सब धीरे 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 ये सब काट देंगे। उसके बाद फिर ब्राउन ब्राउन हो जाता है हर जगह। भाई चढ़ाई में लग गई है थकान, और चढ़ाई हो रखी है खूब। और ये मंदिर भी
पहले से काफी अच्छा बना दिया है। पहले मतलब नॉर्मल था, अभी रंग पेंट और नीचे टॉयलेट वॉयलेट भी बना रखा है, और ऊपर क्या बोलते हैं पूरा रंग पेंट करके बहुत अच्छी फैसिलिटी कर रखी है। बाकी है कि ये पता नहीं क्या है, मम्मी ये क्या चीज़ बनी है, ये किसका घर है गए? अच्छा तो ये आंगनवाड़ी है, तो स्कूल है छोटे बच्चों का स्कूल। पहले मैंने इसे घर सोचा, किसी का घर है करके, तो ठीक है। अब मंदिर भी आने वाला है, रास्ते आ गया, बाकी रास्ता काफ़ी अच्छे हैं, तो मंदिर ही आ गया। और मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई जुलाई और अगस्त में आओ तुम लोग यहाँ पे, और चारों तरफ हरियाली मिलेगी उत्तराखंड में। ये है देखो आंगनवाड़ी, छोटे बच्चों का स्कूल, ठीक है। तो अभी मिलते हैं, मंदिर पहुंच के चुका है मंदिर, मंदिर की सीढ़ियां हो गई है स्टार्ट। ये देखो ये पूरा गेट है और फिर वहां पे मंदिर है, ठीक है। तो हम चप्पल यहीं पे उतार देंगे, ये घंटी बजा लेते हैं, ये सीढ़ियां से वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और नीचे जो है ना इधर खाना वाना बनाने का, जैसे कभी पूजा वूजा होती है तो यहाँ खाना वाना बनता है, तो यहाँ पे बना देते हैं। जैसे ये भी लगा रखा है ताकि बरसात वरसात हो तो बच सके। ये विश्राम गृह है और ये है मंदिर, पूरा टीम का सही लगा रखा है। ये भाभी बैठी है, ये है भाई, ये बहन, ये है पानी पूनी पूनी। और ये भी थोड़ा और काम बचा होगा ना, तो उसके लिए भी सामान आ रखा है। और ये है मंदिर जो माता है, इनका मंदिर है ये माता जी का। और बाकी कर रखा है, और बाकी तो तार लगा रखा है जो कि हम अभी खोलेंगे, चाबी यहीं रहती है। तो हम पूजा करते हैं, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।